हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मॉब ट्रिक्स। दोस्तों कई बार होता है हम अपने स्मार्टफोन्स में सिर्फ और सिर्फ ऐप भरते जाते हैं। कोई भी काम पड़ता है उसके लिए हम ऐप ढूंढते हैं और ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ऐप से सारे काम करने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों क्या आपको मालूम है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने काम को आसानी से एकदम चुटकी में कर सकते हैं बगैर किसी ऐप को इंस्टॉल किए। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 एकदम अमेजिंग और वेरी यूजफुल वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने काम को बहुत ही फटाफट कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए लास्ट तक का वीडियो देखते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे 6वें नंबर की जो वेबसाइट है वो है timeanddate.com। दोस्तों इस वेबसाइट में आपको टाइम और डेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी और टाइम और डेट के बीच में जो भी आपको कैलकुलेशन करना है सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको दो डेट के बीच में अगर आपको निकालने का है कितना दिन हुआ है, कितना टाइम हुआ है, कितने सेकेंड्स हुए हैं, जैसे कि मान लो आपका बर्थडे और आपके प्रेजेंट डे के बीच में आपको अपनी एज निकालनी है या फिर कितने वीक्स हुए, सेकेंड तक की चीज़ें ये बता देता है आपको। तो बहुत ही दोस्तों यूजफुल वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारी 5वीं वेबसाइट है mathway.com। दोस्तों ये वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वेबसाइट में आप मैथ्स की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको सारी मैथ्स की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरी मिल जाती है और उसके साथ ही दोस्तों आप जब भी कोई अपना मैथ का प्रॉब्लम लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर दिखाई देगा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि कैसे क्या हुआ है तो आप दोस्तों इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। मंथली और ईयरली प्लान है इनका, आप देख सकते हैं कि $20 पर मंथ है या फिर ईयरली प्लान लेंगे तो आपको $80 के तकरीबन आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, 4-5 हज़ार तक का अमाउंट होता है जो कि आप पे कर सकते हैं और बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है ये। दोस्तों हमारी 4थी वेबसाइट है dc.me। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम लोग ईमेल आईडी से कहीं भी किसी भी वेबसाइट में अपने रजिस्टर कर देते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, हम उधर ध्यान ही नहीं देते और इंटरनेट पे हम कई जगह पे अपनी ईमेल आईडी को ऐसे मतलब रजिस्टर किए हुए रहते हैं, तो फालतू जगह पे अपना ईमेल आईडी क्यों दिए रहने का। तो दोस्तों इस वेबसाइट के द्वारा आप जान सकते हैं कि अपनी अपनी ईमेल आईडी से कहां कहां लॉगिन किया हुआ है और अगर आपको नहीं ज़रूरत है उस वेबसाइट पे अपनी ईमेल आईडी देने की तो आप इधर से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और कभी बाई चांस अगर आप गलती से कुछ डिलीट कर दिए तो आप उसको अंडो भी कर सकते हैं, उसको फिर से सेव भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी है, आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारी 3री वेबसाइट है webcatcher.net। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, हमको अगर किसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट निकाल नहीं सकते पूरी वेबसाइट का, या फिर कंप्यूटर से भी आप स्क्रीनशॉट पूरी वेबसाइट का नहीं निकाल सकते, आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो इससे ये वेबसाइट क्या करती है, आपको किसी भी वेबसाइट का आप इधर जाइए, इसका जो है URL इधर आप पेस्ट कर दीजिए, उसके बाद देखिए आपको इसमें कितने सारे फॉर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स में आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी है मुझे इसमें कि आपको डायरेक्टली देख सकते हैं, आप डायरेक्टली इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ब्लॉगर हैं तो आपके ये बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी ये वेबसाइट। दोस्तों हमारे दूसरे नंबर की वेबसाइट है google.com/ncr। दोस्तों एक वेबसाइट नहीं है, एक समझ लो सर्च इंजन है। जैसे कि अगर मान लो कि अगर आपके कंट्री में कोई वेबसाइट ब्लॉक है, बैंड है, तो आप इस सर्च इंजन के द्वारा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिंपली टाइप करना होगा google.com/ncr, फिर उसके बाद जो भी आपकी बैंड वेबसाइट है उसको आप इधर से सर्च कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट ये मत समझिएगा कि कोई आपको पकड़ नहीं सकता दोस्तों, तो ये समझ के आप गलत वे में इसका यूज जरा भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब फाइनली टाइम आ गया हमारी पहली नंबर की वेबसाइट का। तो दोस्तों ये वेबसाइट है timeandmail.com। दोस्तों ये वेबसाइट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, इसमें आप 10 मिनट के लिए एक टेम्प्रोरी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा नहीं कि ये फेक है, इसमें आप ईमेल्स सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे और इधर आप सारे ईमेल्स को पढ़ सकते हैं। तो इस ईमेल आईडी का यूज कहाँ पे करना है, इस ईमेल आईडी का यूज वहाँ पे करना है जो कि वेबसाइट सही नहीं होती, जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं है। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है कि आपका ईमेल आईडी पा जाती है फिर आपको बार बार मैसेज करती रहती है, स्पैम भेजती रहती है, तो ऐसे बेकार के ईमेल्स भेजती रहती है। तो अगर आपको किसी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं है तो इस वेबसाइट पे आप रजिस्टर करने के लिए इस टाइप के ईमेल आईडी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 6 वेबसाइट्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया है ये सीरीज हमारी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, ताकि मैं इसको आगे भी कंटिन्यू रखूं और आपके लिए ऐसे ही मतलब टॉप 6 टॉप 10 वेबसाइट्स के बारे में बताते रहूं। तो इसका यूज क्या है, आपको जाकम ऐप्स को इंस्टॉल करना होगा। हर काम के लिए ऐप्स को इंस्टॉल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्टली वेबसाइट से वो सारे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बेशक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, स्क्रीन पर आपको लाल कलर की बटन दिख गई होगी, उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड डे एंड टेक केयर।